हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं हूँ केजी रेड्डी कॉलेज में और काफ़ी दिनों के बाद शूटिंग पे मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज इतने टाइम से शूट्स पे इतना ज़्यादा बिजी रह रहे थे हम लोग डे लोकेशंस पे, मतलब शूटिंग पे व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, मतलब कंप्लीट वन डे व्लॉग। सो आज वापस से ट्राई करेंगे शूटिंग पे अपन सिंगल डे व्लॉग बनाने की, देखेंगे क्या क्या कवर कर सकते हैं, बिकॉज आज ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ मिनिमम से मॉडल्स हैं यहाँ पे मेरे साथ, तो देखेंगे, उतना ज़्यादा काम भी नहीं है और क्या क्या होता आज पूरे दिन में। सो बेसिकली देखो ब्रो, सीन्स तो मैं आपको बता सकता नहीं व्लॉग में, रहा छोटा मोटा इधर उधर का दूर दूर से, वो सब आई कैन शो यू, सो वो सब देखेंगे, थोड़ा बहुत कवर करेंगे। और बॉयज़ वगैरह कोई आज है नहीं मेरे साथ, तो ज़्यादा उतना मस्ती मजाक तो नहीं हो सकता, सो बट स्टिल विल सी वॉट वी कैन डू टूडे, तो उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, ये है केजी रेड्डी कॉलेज, मेन कॉलेज की एंट्रेंस सामने का हॉल, और ये यहाँ पे है वाटर पॉन्ड्स। और बेसिकली ये कॉलेज का कैंपस थोड़ा काइंड ऑफ ऑसम है, और ये यहाँ की कैंटीन है, कैंटीन भी ज़बरदस्त है, दो अपना वॉलीबॉल कोर्ट से बाजू क्रिकेट का है, फिर जो सो अपने बास्केटबॉल कोर्ट है, लेकिन जो एम्पियंस है ना झाड़ों के नीचे, ये सीटिंग एरिया ये अच्छा बना ये कॉलेज में। और ये देखो मतलब प्रॉपर्टी को यूटिलाइज अच्छा करें ना कॉलेज में, एज यू कैन सी यहाँ पे कॉलेज का बोर्ड भी चेंज कर दिए, लाइक के जी रेड्डी कॉलेज से हटा के मैंगलोर इंस्टीट्यूट है, बिकॉज मूवी में जो कॉलेज का नाम है वो है मैंगलोर इंस्टीट्यूट। So basically this is a display of college, and here they are taking a close and tight shot of an actress. तो ये उसका प्रिपरेशन चल रहा है, और ये देखो स्किमर वगैरह लगा हुआ है, ये बेचारा ट्रॉली लेकर ढक लेते जा रहा, पूरे बदखा एक लाइन में एक के पीछे एक अच्छे से जाते हुए दिख रहे थे, अच्छा दिख रहा देखने। सो गाइस, अभी नेक्स्ट चल रहा अपना हीरो की एंट्री का शॉट, अब चिच्चा आ गई ये गाड़ी पे बैठ के, जर्र बोल के एंट्री मार भाई। अभी हुआ यहाँ पे लंच ब्रेक, और जिस जिसको लंच करना था उन लोग चले गए अपने पास के जो गर्ल्स हैं मॉडल्स में, उन लोग में कुछ गए लंच करने और कुछ जो है सो गए नमाज पढ़ने, तो लंच के बाद वापस शुरू होता, कहाँ शुरू होता क्या होता देखेंगे अपन। और ये पीछे देखो तक्षा मैडम आहिस्ता आहिस्ता से देख रहे, बच्चा कहाँ अकेले किससे बात कर ले रहा, बोले पागल वागल तो नहीं हो गया समझ रहे, क्या बोलते यार, चलो इन्हों देखते कि टाटा बोल दिए खत्म। और कॉलेज कैंपस नीट क्लीन साफ सुथरा, ब्रो बेचारों का कॉलेज छूट गया, पूरे कॉलेज के बसेस जो है स्टूडेंट्स के हस्ते वेट कर रहे जाने के लिए। सो गाइस, हो गया ख़त्म, पूरा कॉलेज वीरान पड़ गया ऐसा दिख रहा, जैसे कि यहाँ सालों से कोई आया नहीं कराने, पूरा कॉलेज वीरान हो गया, कॉलेज ख़त्म हुआ, खाली ये हम लोग हैं जितना भी शूटिंग का क्रू वगैरह है, और ये गाड़ियाँ है बस शूटिंग में जो जो वही जनरेटर वैनिटी वगैरह उन लोग का बैठे हुए बस, बाकी पूरे चले गए स्टूडेंट्स फैकल्टी सब लोग। पैकअप फिर आज भी लेट है, तो अभी हो रहा इफ्तार का टाइम, टाइम भी हो रहा जाके, पहले तो कुछ बाहर से इफ्तारी लेके आने का है, उसके बाद वो तक कट करके देने का है कहीं, तो अभी सिर्फ 20 मिनट्स बचे, अभी 6:10 हो रहे अप्रॉक्सीमेट, तो जल्दी यहाँ से निकल के जाना है, जाके इफ्तारी लेके आएंगे, उसके बाद रोज़ा खुलेंगे और दूसरों का भी रोज़ा खुलेंगे, फिर देखेंगे और शूट कब तक चलता है और कितना टाइम चलता। नेक्स्ट यहाँ वॉलीबॉल के पास लाइटिंग वाइटिंग ज़बरदस्त जली हुई है, यहाँ पर होने वाला है नेक्स्ट शूट जो कि है हीरो के डांस स्टेप्स वगैरह का। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ डे लाइट इन इवनिंग, इवनिंग के टाइम डे लाइट ऐसा क्रिएट करते हम लोग शूटिंगों पे, लाइट्स लगा के स्किमर लगा। सो हो गया रोज़ा वगैरह खुल लिए, रोज़ा वगैरह खुलने के बाद अभी अंदर, अभी भी शूट चल रही है, अभी और पैकअप को कितना टाइम होता अभी वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो देखेंगे और कितना टाइम होता क्या होता तब तक कैरी बता रहा था। यहाँ पे नेक्स्ट बाहर अभी वापस से सॉन्ग शूट है, पूरी तैयारी होके है, अभी अंदर चल रहा है लाइब्रेरी में, वहाँ पे फिनिश करे बाद हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं,
चलो देखेंगे क्या है। और लास्ट क्लिप में पीछे हिरोइन चल लेते आ रहे थे, उन्होंने ऐसा उनके दो हाथ बता के यूं करने जा रहे थे, मैं मेरी वीडियो कट कर दिया। हीरोइन का नाम जो इस अपने रुखसार करके है, चारे बॉलीवुड फिल्म भी करे हुए है, गित्ते की तेलुगु पिक्चर भी करे हुए उन्होंने, तो उन्होंने ऐसा क्यों कर रहे थे अपन देखे नहीं करे नहीं, पहले क्लिप एंड कर दिया, पीछे हीरोइन आ रही बोल के जल्दी फ़ोन नीचे कर दिया। तो उन्होंने बोला आई वॉज डूइंग लाइक दिस इन योर वीडियो, कट कर क्यों करे बोल के पूछ रहे थे। तो बोला सॉरी मैम आई हैवंट सीन दैट बोल के थोड़ा अपोलोजाइज कर लिया अपन, अच्छा दिखा मगर बेचारे ऐसा बोल ले रहे कर ले रहे बोल के। चलो देखेंगे कब होता पैकअप क्या है। एडीज बेकार है, पूरे एडीज बेकार है। और ये था हमारा आज का लास्ट शॉट और यहाँ पे हम लोग का पैकअप हो गया था। तो गाइस फाइनली पैकअप हो गया, वहाँ से निकल के मैं आ गया घर को, लोकेशन पे रिकॉर्ड करना अपने से हो नहीं सका, कहीं वो तो पैकअप के बाद की ज़रा थोड़ी हड़ाहड़ी रहती, घर को जाने की थोड़ी जल्दी रहती, तो उस वजह से घर को आ गया मैं। सो बेसिकली दिस वॉज माई डे शूटिंग पे। आई नो ज़्यादा कुछ उतना खास है नहीं रिकॉर्ड करने को, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं होगा आप लोगों को, बट स्टिल ये था अपना आज का बेसिकली ये दिन का ब्लॉग। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।